अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, मैं वेलकम कहता हूं जी आपको अपने चैनल खिचड़ी डेली एक्टिविटी व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका रमज़ानुल मुबारक शरीफ का महीना बहुत अच्छा जा रहा होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आप पे करोड़ों रहमतें और बरकतों का नजूर फरमाए जी। आज हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो इफ्तारी का अहतमाम किया है, तो सबसे पहले तलावत के लिए मैं दावत देता हूँ अबू सुफियान, मेरा एक स्टूडेंट है, उसे कि वो तलावत कुरान मजीद करे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाहि वसल्लम अलैका या हबीबल्ला, बुला लो फिर मुझे ऐशाए बाहरो मदीने में, मैं फिर रोता हुआ जाऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्ला, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्ला, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा ए बाहरो बर मदीने में, ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस एक शहादत दे, ना दौलत दे ना शोहरत दे मुझे बस एक शहादत दे, मैं मर जाऊँ तेरे कदमों में रो रो कर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशाए बाहरो बर मदीने में। जी माशाल्लाह से जी आपने तलावत कुरान मजीद सुनी और नाज शरीफ सुनी, और हम भी इफ्तार के वक़्त पे बैठे हैं तो आपके लिए दुआ गो हैं और आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। ये हमारे इफ्तार दस्तरखान की जो है वो ये कुछ खाने जो हमने बनाए हुए हैं, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत है, बरकत है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपने बंदों के लिए रिज़क में इजाफ़ा कर देता है। ये माशाल्लाह जी कुछ एहतमाम जो है वो सादा सा हमने किया है रमज़ानुल मुबारक के अफ्तार के लिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को भी कुशादा करे, आपके दस्तरखान में भी बरकत डाले। आप भी हमारे लिए दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह चावल बनाए, फ्रूट चाट है, समोसे, चिप्स और पकोड़े, और साथ में ये कोल्ड ड्रिंक्स। ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो बैठे हैं, अब इंतज़ार कर रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के नौवां रोज़ा जो है वो अब आज हम इफ्तार करने जा रहे हैं। हम अब जो है वो दुआ करते हैं मिलके। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। या अल्लाह पाक अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके के
के तुफैल ऐ मौला। या अल्लाह पाक हमारे इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के तमाम रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा, तमाम परेशानों की परेशानियां दूर फरमा, जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद की नेमत से नवाज, और जो बेघर हैं उनको घर की नेमत से नवाज, और जो तालबे इलम हैं उनको उनकी तालीम में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह पाक सब के रिज्क में बरकत अता फरमा, घरों में सुकून अता फरमा, और या अल्लाह पाक जितने भी गुनाह हो चुके हैं, या अल्लाह पाक तू गफूर रहीम है, तू रहमान रहीम करीम है, या अल्लाह इस महीने की बरकत से तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। और हम दुआ करते हैं इस माह मुबारक की बरकत से, इस माह मुबारक की रहमत की, और इस माह मुबारक की वजह से जितने भी लोग कर्ज में मुब्तला हैं, या अल्लाह पाक उनको कर्ज से खलासी अता फरमा, और या अल्लाह पाक सब पर अपना करम फरमा, और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, या अल्लाह पाक उन पर भी अपना ख़ास रहमत, ख़ास फजल और ख़ास करम फरमा। रब्बी इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही व असहाबिही व बारिक व सल्लम व सल्ले अलैहि। ये उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आप पर अपनी ख़ास रहमतों का नज़ूल करें। अब रोज़ा जो है वो खुलने वाला है, तो आप भी जब भी दुआ कीजिए सहरी में, इफ्तार में, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अजान हुई कि नहीं अभी? दुरूद शरीफ पढ़ो सारे। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाह करो जी, रोज़ा खोलो, माशाल्लाह। اللهم إني لقسمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت بسم الله ठीक है जी, हम रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, आप भी रोज़ा इफ्तार कर लीजिए। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।